सबको गुड इवनिंग जितने उपस्थित हैं आज की चौथे दिन के हम लोग का प्रार्थना सभा में आप सबको स्वागत है। आइए हम आज की इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करें। स्मारी बाप धन्यवाद देते हैं कि पूरे साबत भर आप हम सब की देखभाल की और साबत की तमाम आशीष हमें से प्रत्येक के जीवन में दिए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जब इस संध्या के समय हम सब एकत्रित हो सकते हैं इस प्रार्थना सभा के दौरान, इस समय हम आपके गीतों को गाने जाते हैं, हम सबको अगुवाई कीजिए ताकि आपके अगुवाई के द्वारा से हम आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा कर सकें। इस समय हम यहाँ जितने उपस्थित हैं हम सबों के साथ हो और जो के आ रहे हैं उन्हें तो अगुवाई कर, इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दयाकर सुनन ग्रहण कर, आमीन। हम लोग गाएंगे 115 प्रभु महान विचार कार्य तेरे। इसके बाद गाएंगे, आप लोग कितना को जानते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, जानते हैं ना, इसमें नहीं है। एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, भीतर आत्मा को किताने दिया है, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है, सर्वशक्तिमान चढ़ा के अपना प्राण मनुष्य को देता है, अयोग्यता का दान छोटका पाने का है, बंदगी में गाए अनुग्रह का, मैं कैसे शब्दों से बताऊं का सार, के गुण दिखाने हा, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, पवित्र आत्मा को पिता यीशु नाम की दे दुआई, तू जो दुख से है लचा उसे शांति और सहाय, तुझे मिलती है हर बार मधु नाम प्रिय नाम, जैसे हो त्राण का मधु नाम प्रिय नाम, जैसे हो त्राण का यीशु नाम की गो वही ढाल है और चटा देता, वही बल निर्बल को उसको तू सहायक जान, मधु नाम प्रिय नाम जैसे हो त्राण का, मधु नाम प्रिय नाम जैसे हो त्राण
का काम। कहीं प्रिय ये सुनाम है जिसे बढ़ती मन की प्रिय, उसको भजना उसका काम है। वह है कमी मधुनाम प्रिय नाम जिसे हो सबको सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। आइए हम आज की इस प्रार्थना सभा को शुरू करने के लिए हम लोग 76 नंबर का गाना गाएंगे, 76 हिंदी से। खोलना है तो हम सब खड़े हो जाएंगे। वाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान, जब हम लेकर के हार चलते यीशु के पास, जीवन माता भी होता सुखदाय, यीशु रहता है पास। उसके चलो सकते हैं कृष्ण में आना, जो तू चाहे तो जा, यह उपाय के विश्वास उसकी आज्ञा को मान। कृष्ण में आना, जो तू चाहे तो जान, या उपाय के विश्वास से उसके आज्ञा को मान। उसके पास हम रहे मीठी संगति में, उसके शिक्षा को मान, उसके आज्ञानुसार उसके सेवा हम करते हैं। कृष्ण में आना, जो तू चाहे तो जान, यह उपाय के विश्वास से उसके छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, फिर से धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या के समय इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में हम सब उपस्थित हो सकते हैं, उपस्थित होकर के आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा कर सके। इस समय है कि जब हम आपके दास के द्वारा से वचनों को सुनेंगे, हमारे मन हृदय अंतकिरण को खोल, ताकि पिता हम उन वचनों को अपने जीवन में रख सके और उन वचनों के अनुसार से हम चलने वाले बन सके। हम सब पापी हैं पिता, हम गुनाहगार हैं, हम लाचार हैं, हम हर समय शैतान के फंदे में हम फंसते हैं और हम वहाँ से निकाल नहीं पाते हैं। तो हम सबको उस फंदे से निकालने में अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से हम बाहर निकल सके और पिता हम आपके वचनों पर हम अपना ध्यान मगन कर सके और हम सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन सके। इस समय जो वक्ता है मिस्टर लकड़ा, उनके साथ हो, उनका मुँह हो आपका वचन और हम जितने सुनने वाले हैं इस प्रार्थना सभा में हम सुन के आशीषित हो सके। इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनन ग्रहण कर।
मैं सबसे पहले ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका, ये चौथा दिन है हम लोग का जो प्रार्थना सभा, और ये प्रार्थना सभा सारे संसार में हो रही है 10 दिन का, और ये चौथा दिन है। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने वक्ता 3 दिन तक बोले और भिन्न भिन्न विषय पर बोले, और ये प्रार्थना सप्ताह का शीर्षक है जागृति की खोज, सीकिंग रिवाइवल, अंग्रेजी में है सीकिंग रिवाइवल, जागृति की खोज। हम जैसे भिन्न भिन्न वक्तों से हम लोग सुने और प्रार्थना के विषय विश्वास, और ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और बहुत से पदस्थल हम लोग सुने, और जैसे हम लोग आज भी मैं विश्वास के आधार पर मैं थोड़ी देर तक मैं आप सबको बतलाऊंगा। ये हम एक मसीह होकर हम कहते हैं विश्वास करते हैं कि हमारा जीवता परमेश्वर वो हमारा सृष्टि करता है और हमारी देखभाल या पालनहार है, और सबसे बढ़कर है कि वह हमारा क्या है, उद्धार करता है। हम सभी मसीह उन पर विश्वास करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम सबों का संबंध परमेश्वर के साथ गहरा यह संबंध है। जब हम मसीह को अपना लिए हैं, हम विश्वास किए कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता, उद्धार करता, हम गहराई रूप से उसके साथ हम संबंध हो गए हैं। हमारा विश्वास जब हम देखते हैं कि उसके सृष्टि उद्धार करता है और यह प्रेमी परमेश्वर है, हम जितने मसीह हैं हम विश्वास करते हैं कि वह प्रेमी परमेश्वर है, और सबसे बड़ा प्रमाण हम पाएंगे यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौटा बेटा दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। कितना ही सुंदर वचन हम सभीों के मसीहों के लिए है। वे हमें प्यार करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप पर भरोसा भी करते हैं। प्रेम, प्यार और भरोसा, ये संबंध हमारे सब जीवन में है। यहाँ पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी 1:9 में, चलिए खोलेंगे 1 थिस्सलुनी 1:9, 1 थिस्सलुनी 1:9 यहाँ पर अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी 1:9। यहाँ यह कहता है 1 थिस्सलुनी 1:9 में कहता है कि क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर को और फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हम सब सच्चे परमेश्वर के सेवा करने वाले हैं। यहाँ 1 थिस्सलुनी 1:5-9 में हम लोग पढ़े, आगे देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:19। हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ सच्चा मेल मिलाप का वचन जो पवित्र शास्त्र में पाई जाती है, हम सबों को वह सौंप दिए हैं। ये पवित्र ये वचन जो हम सबों के लिए सौंप दिए हैं, 2 कुरिन्थियों 5:19 में पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:19। 2 कुरिन्थियों 5:19
यहाँ कहता है क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेल मिलाप का वचन, हम देखते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, वे हम उसके संतान हैं और उसके वचन से हम सबों का मेल मिलाप हो गया उसके वचन से। फिर देखेंगे यहाँ भजन संहिता 111 उसका 10 पद, भजन संहिता 111:10 इसमें दाऊद कहते हैं कि पढ़ेंगे हम लोग यहाँ 111:10 यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। और इस पद को हम लोग पढ़ेंगे 111 उसका 10 पद, भजन संहिता 111:10 11:10 यहाँ वो कहता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बने रहेगी। जितने कोई उसका भय मानते हैं, ये कहता है बुद्धि का मूल है। हम सभी कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों को अपने मन में रखते हैं और यह हम सोचते हैं कि हम अपने शक्ति से कर रहे हैं, लेकिन हम मसीह ये सोचे कि हम जब यहोवा का भय मानते हैं, यह बुद्धि का क्या होता है, यह कहता है कि यहोवा बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहाँ कितना सुंदर वचन यहाँ लोग पढ़ें। आगे हम देखेंगे कि यहाँ यशायाह 26 उसका 4 पद, यशायाह 26:4 पद, यशायाह 26:4 26:4 यहाँ फिर पढ़ेंगे यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहोवा पर भरोसा कर, हम विश्वास करते हैं, उनके आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। यह यशायाह 26:4 में हम लोग देखें यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मजबूत चट्टान, जितने को चट्टान देखे हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं और पानी का बहाव या कुछ भी हो उसको हिला नहीं सकता है, वैसे ही हम सबों को परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास और उस पर भरोसा कर रखना है। ये 10 आज्ञा हमारे लिए दी गई है और पवित्र शास्त्र में बहुत से आज्ञाएं दी गई है, केवल 10 आज्ञा नहीं, लेकिन हम लोगों को क्या कर उसे जब हमें मसीह होकर के हम आराधनालय में हम उपस्थित हों, हम उसके गीत गाएं और उसके वचनों को सुने, उसके साथ साथ परमेश्वर ने हम सबों को क्या दिए हैं, वरदान दिए हैं, तोड़ा गाने के लिए, बोलने के लिए ये सब वरदान दिए हैं और हम सबों को उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के लिए दशवांश दान देने के लिए, जिससे परमेश्वर का काम जल्द से जल्द अधिक से अधिक फल फैले। तो यहाँ देखते हैं कि ये परमेश्वर की जो आज्ञा पर हम विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो हम सबों के जीवन, जो बीते जीवन, वर्तमान और भविष्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा बन जाता है,
वो प्रतिज्ञा हम सबों के लिए अनंत जीवन है। मरकुस 1:15 इसमें हम देखेंगे, जैसे 14 से हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ मरकुस 1:15 चलिए हम लोग खोलेंगे मरकुस 1:15। यहाँ 14 से हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ यीशु ख्रीष्ट कहे कि अंत स्वर राज कन परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हम सभी मसीह परमेश्वर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और हमारे बीते जीवन, जैसे हम जितने दिन तक हम जीवित बचपन से लेकर के अभी तक बीते जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन में हम सबों को अगुवाई करेंगे और हम सबों को जो प्रतिज्ञा किए हुए वस्तु हम लोगों को देंगे और हम अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकें। इफिसी 2:8-9 तो देखेंगे, अगर कोई खोले तो पढ़ देंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ भी पढ़े हम लोग, ना तो कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करें। हम एक मसीह हो करके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग मसीह हो करके हम उन्नति करते जा रहे हैं। आज का है जैसा सीकिंग रिवाइवल इन एक्शन। एक्शन माने क्या होता है? काम को, जिस चीज़ को हम जानते हैं, अच्छाई चीज़ को हम सीखते हैं। मसीह धर्म में हम अच्छाई चीज़ को सीखते हैं और उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, व्यवहार में लाना है। हम लोग को अपने आप को भी हम लोग व्यवहारित लाना है और दूसरों को भी हम लोग को अगुवाई करना है। एक्शन, हम लोग उसके साथ हम लोग को क्या करना है, व्यवहार करना है। तो आज का जो शीर्षक में दिया गया है, सीकिंग रिवाइवल इन एक्शन। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम मसीह हो गए हैं और हमारे जो खोए हुए जो भेड़ कहेंगे, जो हमारे चराहगा या कहेंगे घर से दूर चले गए हैं, हम उन सबों को हम लोग को संभालना है, हम लोग को संभालना है और उनको जो बुराई में फंस गए हैं उनको हम लोग को लौटाना है प्रेम के साथ, और उन पर विश्वास भरोसा हम लोग को जताना है। तो यह कहते हैं कि आगे हम देखेंगे कि विश्वास से तुम्हें उद्धार का रास्ता दिखाया है। हम सबों को विश्वास से उद्धार का रास्ता दिखलाया है। प्रेरित 26:18
यहाँ लोग पढ़ते हैं कि तू ना उनकी आंखें खोली कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। विश्वास से हमें ऐसा लगता है कि हम एक मरुभूमि में हैं, मरुभूमि द डेजर्ट मरुभूमि में है, और हम लोग वो तो कभी कभी हताश हो जाते हैं। हम लोग को भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी नहीं कहीं पर है, लेकिन मिरास जितने कोई मरुभूमि में यात्रा करते हैं और दूर में जब देखते हैं कि हरा भरा चीज़ वहाँ जाते हैं और पहुँच करके वहाँ पर क्या होते हैं, अपने प्यास बुझाते हैं। हमारा विश्वास पक्का होना है, जैसे कि हम इस जैसे रेगिस्तान मरुभूमि में हम यात्रा कर रहे हैं और उसके खोज में है कि हमको पानी कहाँ मिले, परमेश्वर का वचन कहाँ मिले। और जब हम पहुँचते हैं तो हम क्या कहते हैं, पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। बहुत बार ऐसे समय में हम लोग बिता रहे हैं और कभी कभी हताश हो जाते हैं कि हम लोग का मंडली या कलिशिया में मेंबर सब क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। शैतान, जैसे हम लोग आज सुने हमारे उपदेश में कि शैतान बहुत चलाक है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में फुसला देता है, तो हम लोग क्या करना है, सबको संभाल करके साथ में हम लोग को चलना है। गलाती 3:26 यहाँ यूँ लिखता है, हम विश्वास से परमेश्वर के संतान हैं, हम विश्वास से परमेश्वर के संतान हैं। गलाती 5:22 में हम सभी जानते हैं, इसमें ये है पवित्र आत्मा का फल और उसमें एक है क्या है, विश्वास। विश्वास आत्मा का फल है और ये विश्वास हम सबों के लिए परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का वरदान है। यहूदा 1:3 यहूदा का एक ही पद है, यहूदा 1:3 मतलब पढ़ेंगे इसको, यहूदा 1:3 हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवसर जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया था। विश्वास ही है हमारा अच्छे चाल चलन, और यहाँ हम पाएंगे विश्वास का अध्याय इब्रानी 11 में हम पाएंगे, और जितने कोई बाइबल में जो पाए गए पुराने नियम में कहेंगे कि इब्रानी 11:1-12 में हम भिन्न भिन्न व्यक्तियों को हम पाएंगे कि अपने जीवन में वे परमेश्वर पर विश्वास किए और वे अपने काम किए और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो खोए हुए हैं भेड़ है उसको कैसे हम लोग संभालते हैं। यहाँ जैसे किसी को ढूंढना है, हम बातें हैं कि इतिहास में जैसा भूगोल में पाएंगे कि कोलंबस और वास्को डी गामा दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में की खोज में लोग निकल गए, समुद्री यात्रा वो लोग निकल गए और उन लोग नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं,
क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि लोग सोचते थे दुनिया क्या है, चपटा है, लेकिन गोल, और ये सब समुद्री यात्रा करके भिन्न भिन्न स्थानों का उन लोग क्या क्या आविष्कार कहेंगे उसको, खोज निकाले। वे कठिनाइयों का सामना किए, लेकिन अंत में बहुतायत से उनको सफलता मिली। आज हम एक मसीह होकर के, एक कलीसिया के सदस्य होकर के, हम सब को परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और जिस चीज़ की खोज हम कर रहे हैं, यहाँ कहता है कि एक सदस्य जो खो गया है उसको हम लोग को ढूंढना है। एक सदस्य हीरे सोने चांदी या बहुमूल्य रुपये पैसे से बढ़कर के है, एक सदस्य। चलिए, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास उस चट्टान के समान हो, हम ना डगमगाए, अंत तक हम धीरज धरे, और उसके दूसरे आगमन के लिए हम बाट जोहे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे, आमीन। आखिरी गीत हम लोग गाएंगे, 80 नंबर का 80। से कयानंद का स्वर्गीय स्थान, ते जो मैं दो देन के समान, मनु वे गाते हैं ये सुनाम क्यों गाते हैं, और सराते हैं बसते गान, होंगे कृष्ण स्वच्छ जन सदा हो, ओ सनन मै देश आग जलगदान, पेशा के रक्षा में प्रेम है अपार, कृष्ण लगाओ मन पाओगे तस्वज्ञान, आजादो सब दुगन करोगे जय। प्रार्थना करते हैं, हम बीते जीवन में जो भी तेरे सामने तेरे दृष्टि में था, काम के द्वारा बोली से वचन से हम गलती की है, हम माफी चाहते हैं, हमें क्षमा कर। प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के लिए, मंडली के सदस्य के लिए, हर सदस्य के साथ हो, उनकी हर काम काज में तू मदद कर, हर दुख तकलीफ में तू उन्हें सहायता और मदद कर। मंडली में जो भी कमी है उसके लिए हम चाहते हैं, तू कहता है तू मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मंडली में हमारी जो कमी है हम तेरे महिमा के लिए कुछ बनाने चाहते हैं, हमारे लिए जगह कमी है,
और इसके लिए हमें रकम चाहिए और इस रकम के लिए हम हर सदस्य मिलके हम उसे देने जा रहे हैं, तो हमें मदद और सहायता कर ताकि हम उस जगह में तेरे महिमा के लिए कुछ बना के हम तेरे महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं हम सेक्शन डिवीजन के लिए जो चलाते हैं उन सबों के लिए सही तरह से चलाने और बनाने सके और हम तेरे नज़दीकी में रहने सके। ये चौथे दिन का जो प्रार्थना सभा में हम उपस्थित हो सके, आपके वचन को हम लोग सुने कि हमारे मन में विश्वास जो मजबूत बनाइए एक सनातन चट्टान के समान, आप पर भरोसा करें क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, पालनहार हैं और उद्धारकर्ता भी हैं। ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने यहाँ पर आए और जो नहीं आए किसी कारणवश, हम जानते हैं कि उनके कमजोरियों को तो उनके साथ हो, उनको उत्साह कीजिए जैसे कि वे इस भवन में आकर के आपकी उपासना और आपके वचन को सुन सके। हम सबके अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए जैसे कि हम बुराई ना करें लेकिन हम एक दूसरे के भलाई करते जाएं। रात आ गई है, बाकी रात भर तो हम सबों के संग हुए, सुरक्षित रखिए और हम लोग को फिर से कल नए दिन देखने का शौसर दीजिए। इस विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे इस भगिल राम मंडली के लिए और जितने सदस्य हैं, परिवार हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके काम में आपने आशीष दिए हैं, इस नए साल में सबों को तो आशीष दीजिए और उनके आने जाने और हर एक चीज़ में उनकी रक्षा रखवाली कीजिए। और जैसे शैतान बहुत ही कोशिश करता है हम सबों को अपने फंदे फंसाने के लिए, लेकिन आप पर हम लोग भरोसा करते हैं, अपने प्रार्थनामय जीवन आपके पवित्र शास्त्र का हम अध्ययन करें जिससे कि हम यह कह सकें कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन आपका वचन जो हमारे पास है उसको पढ़ करके उसको हम लोग जीवित रहें और शैतान को हम हरा सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि मंडली के लिए जो कि भी आवश्यकता है और इसको सुचारू अच्छी तरह से चलाने के लिए हम सभी का सहयोग है। धन्यवाद देते हैं कि हमारे मंडली में और उन्नति होती जा रही है, आपका आशीर्वाद हो। और प्रार्थना करते हैं सेक्शन के लिए, यूनियन और डिवीज़न और जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए, और इन साल जो जनरल कॉन्फ्रेंस में जो लीडरों का चुनाव होगी, पिता सबों के साथ हुए जी, उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए जिससे कि हमारे जो जनरल कॉन्फ्रेंस का गवे होंगे सबों को पूरे संसार में जितने भी डिवीज़न यूनियन सेक्शन हैं और जितने काम करने वाले हैं उसको अच्छे से देखभाल कर सके। हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए, हम सब अपराधों का क्षमा कर दीजिए और आशीष से हम सबों को यहाँ से विदा कीजिए। यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।